गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। पिछली क्लास में अपने जैसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स जो डिस्कस किए थे, आज उसका मैनेजमेंट को हम डिस्कस करेंगे कि उन डिसऑर्डर को हम कैसे मैनेज करेंगे। इन दिस केस डिसऑर्डर इज मैनेज एट होम, हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटलाइजेशन, एनआरसी, यानी होम, एनआरसी, हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल। यानी जो मैनेजमेंट है, यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट है, वो घर पे भी हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर, न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर, हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल पर डिपेंड करता है वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कंडीशंस पे कि किस तरह की कंडीशंस है, कोई यानी कोई स्पेसिफिक इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेशन तो नहीं, तो उस पर डिपेंड करता है मैनेजमेंट ऑफ पीएम। इन सबसे पहले मैं लेता हूँ कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीएम, यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के कारण कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से होते हैं। दो प्रकार से होते हैं, एक तो एक्यूट, एक लॉन्ग टर्म। एक्यूट में जो कॉम्प्लिकेशन है, जैसे लोकल एंड सिस्टमेटिक इन्फेक्शन है, सीवियर डिहाइड्रेशन है, सॉफ्ट बॉडी कंडीशन है, या दिस इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है, उनकी कमी, जैसे कि फॉस्फेट, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम की कमी के कारण इसको बोलते हैं डिस इलेक्ट्रो लाइटीमिया। एंड हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, सीसीएल, यानी कंजक्शन कार्डिक फेलियर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, डिस्फंक्शन ऑफ लीवर, या हेपेटिक डिस्फंक्शन, सडन इन्फेंट डेथ, एसआईडी। तो ये कंडीशन जो है एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण डेवलप होते हैं। दूसरा है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कौन से रहते हैं? पहला है चेटेक्सिया, ये ग्रीक वर्ड से है जिसका मतलब होता है फोकस, एक्सिस से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब होता है बैड कंडीशन, बैड कंडीशन। चेटेक्सिया इज ए वेस्ट डिसऑर्डर, यानी लॉस ऑफ टिश्यू या सब यूनिट स्टेट का लॉस जो कहते हैं चेटेक्सिया। ये कंडीशन लॉन्ग टर्म तक रहती है, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट मेटल रिटार्डेशन है एंड ग्रोथ रिटार्डेशन है एंड विजुअल एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज है। तो ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं पीएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अब जो नेक्स्ट लेंगे हम वो है मैनेजमेंट, ये जो कंडीशन है कवासी को और मेरे आसपास, या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के ड्यूरिंग जो दोनों डिसऑर्डर है उनकी कैसे हम उनको मैनेज करेंगे। तो मैनेज करने के समय मैंने आपको बताया कि ये जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कंडीशंस है एट होम, हेल्थ सेंटर्स, एनआरसी और हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, पर डिपेंड करता है कंडीशंस पे। दो प्रकार से हम मैनेज करते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट, दूसरा सीवियर। माइल्ड टू मॉडरेट जो है हम होम केयर के अंदर भी मैनेज कर सकते हैं, पर ये तब पॉसिबल है जब हमें हेल्थ एक्सेस प्रोवाइड टू पेरेंट्स, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट या न्यूट्रिशन जो काउंसलिंग है वो मदर्स को या पेरेंट्स को दी जाती है, और एंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर या आशा वर्कर टू प्रोवाइड टू ऑब्जर्व द
चाइल्ड एंड न्यूट्रिशन ग्रोथ चार्ट, यानी जो नेसेसरी गाइडलाइंस होती है जो वो जो प्रोवाइड की जाती है आशा कम्युनिटी वर्कर्स द्वारा। तो पहले लेते हैं माइक मॉडरेट में कि हम इस कंडीशन में कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंक्रीज करते हैं रिलीज फीडिंग को, रिलीज फीडिंग को इंक्रीज करेंगे। सेकेंड हम फॉर्मूला फीडिंग, फॉर्मूला फीडिंग जो ये कंडीशन है बिलो सिक्स ईयर, सॉरी सिक्स मंथ, जो छह महीने से कम बच्चे हैं उनके लिए कंडीशन होती है ब्रेस्ट फीडिंग इंगेज करेंगे एंड फॉर्मूला फीडिंग देंगे। फॉर्मूला फीडिंग कैसे है इसको हम डिवाइड करते हैं, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे। फर्स्ट डे पे हम फॉर्मूला फीडिंग में 1.5 मिल लेंगे पर के जी पर डे के हिसाब से, और उसकी स्ट्रेंथ को जो मिस करेंगे यानी जितना लिया है उसका हाफ हम मिक्स स्ट्रेंथ यानी वाटर लेंगे उतना हम, ताकि उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाए, ताकि चाय आसानी से एब्जॉर्ब कर सके हाफ स्ट्रेंथ, और उसको डिवाइड करेंगे हम 12 ट्वेल्व फीडिंग्स में हम इनको देंगे। तो ये कंडीशन स्टेप फर्स्ट डे, सेकेंड एंड थर्ड डे जो रहता है सेम रहेगा, डेट सेवन यूज किया जाएगा उसको, इस चेंज को कम किया जाएगा मिस करके, और जो फिटिंग ज्वाइन की थी वो 8 फिटिंग थी, यानी 8 फिटिंग्स में हमें इसको प्रोवाइड करना है बच्चे को। नेक्स्ट कहते हैं फर्स्ट जैसे ले गया मैंने माइक टू पोर्ट्रेट ब्रिस्ट फिटिंग इंक्रीज करके फॉर्मूला फिटिंग देंगे, फॉर्मूला फिटिंग यानी मिस फॉर्मूला फिटिंग चाहिए जिसमें मिस करके यानी जो स्ट्रेंथ को कम करके ताकि जो बेबी आसानी से एब्जॉर्ब कर सके, 1.5 पर के जी वेट के अनुसार हमने दिया, वेट के अनुसार मिक्स स्ट्रेंथ किया यानी उसकी स्ट्रेंथ को कम किया और उसको डिवाइड किया 12 फीडिंग किया। सेकेंड और थर्ड डे हमने क्या किया सेम प्रोसीजर अप्लाई किया और उसको 8 फीडिंग में डिवाइड किया। जो थर्ड डे होता है उसमें फोर्थ डे फुल स्ट्रेंथ यूज करते हैं, यानी जो और जो क्वांटिटी है वो लेते हैं 100 ml ऑफ मिल्क, 100 ml ऑफ मिल्क और उसको 6 फीडिंग में डिवाइड करते हैं। तो ये है जो प्रोटीन एनर्जी मॉन्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एट होम कैसे हम मैनेज करते हैं इस कंडीशन को। तो उसमें पहले है इंक्रीज ब्रेस्ट फीडिंग, देन फॉर्मूला फीडिंग अप्लाई करते हैं चाइल्ड के अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये तो बिलो 6 मंथ्स है, अबाउट 6 मंथ जैसे कि मेनली जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन एनर्जी मॉन्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में या क्वासी तौर में 4 से 6 ग्राम पर के जी पर डे के हिसाब से। नॉर्मली हम जो रिक्वायरमेंट होती है वो 2.5 ग्राम के जी पर डे के हिसाब से, और ये प्रोटीन्स कैलोरीज जो है किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से, नॉर्मली हम इसको 1 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से यूज करते हैं। ये अबाउट 6 मंथ यानी 6 मंथ से जो ऊपर अच्छा है।
अब लेते हैं हम सीवियर जो कंडीशंस हैं, सीवियर कंडीशंस जैसे कि सीवियर कंडीशंस के अंदर जैसे मैनेज करेंगे प्रोटीन एनर्जी मास को। सीवियर कंडीशन जैसे कि वेट लॉस हो गया, वेट लॉस सीवियर वेट लॉस एंड लॉस ऑफ टिश्यू एंड सबकटनिस टिश्यू या फिर और वेट लॉस कितना हो 50% ऑफ द अकॉर्डिंग टू एज, ये एक सीवियर कंडीशन है। देन कॉम्प्लिकेशन जैसे कि डिहाइड्रेशन से सीवियर डिहाइड्रेशन, सीवियर डायरिया, निमोनिया एंड हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया जैसी कंडीशन से उन पॉपुलेशन के अंदर हमें एक हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है जिसमें एडमिट करवाना पड़ता है हॉस्पिटल। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हमें इसमें ओरली दे सकते हैं, अगर ओरली रिफ्यूज करता है चाइल्ड तो उसे हम पेरिनेटल ग्रुप के द्वारा इसमें उसकी रिक्वायरमेंट कम पूरी की जाती है। नेक्स्ट WHO, WHO ने 10 steps ऑफ द जनरल ट्रीटमेंट, जनरल ट्रीटमेंट ऑफ PM जो कि दो फेजेस में है, स्टेबलाइजेशन दूसरा रिहैबिलिटेशन। टेन स्टेप जो कॉम्प्लिकेशन थे जनरल ट्रीटमेंट जो बाल प्रोटीन एनर्जी मॉड्यूलेशन जो प्रोवाइड किया गया था जो दो फेज में दिया गया स्टेबलाइजेशन एंड रिहाइड्रेशन। तो पहले हम लेते हैं वो 10 steps कौन कौन से हैं। पहला है हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया जो कंडीशन होती है उसके द्वारा हम उसको ट्रीट एंड प्रिवेंट करेंगे। जो डेक्सट्रो 5% यानी एसिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट या सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी IV के द्वारा डेक्सट्रो 5 देके उसको ट्रीट एंड प्रिवेंट करेंगे। हाइपोथर्मिया जो कंडीशन है बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली अगर 95.5 से कम है तो हम उस कंडीशन को हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन मानेंगे, तो उसको प्रिवेंट करेंगे वार्म क्लोथिंग या वार्म जो हीट वगैरह है के द्वारा इसको ट्रीट एंड प्रिवेंट करेंगे। डिहाइड्रेशन कंडीशन है अगर तो डिहाइड्रेशन के लिए हमें ORS या आई फ्लूड्स के द्वारा इस कंडीशन को हम प्रिवेंट करेंगे और ट्रीटमेंट जो भी है उसको किया जाएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जैसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है जो भी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण हुए हैं उनको हम प्रिवेंट एंड ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन कंट्रोल जो भी एंटीबायोटिक्स है जो इन्फेक्शन कंट्रोल जैसे कि रिनल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, कोई स्किन स्किन पीसीए वाले इन्फेक्शन है तो उनको हम ट्रीट एंड प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी जैसे विटामिन एंड मिनरल्स डेफिशिएंसी को कंडीशंस को हम प्रिवेंट एंड ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है पोटेशियम फीडिंग, पोटेशियम फीडिंग कौन सी इसके अंदर क्या करते हैं हम इसमें जो है वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं और जो फीडिंग्स है जो फ्रिक्वेंसी है उसको हम कम करते हैं, यानी वॉल्यूम को तो हम बढ़ाएंगे पर फ्रिक्वेंसी को कम कर देंगे और जो फीडिंग्स हैं वो कुछ डिवाइड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 जैसे फिर फ्रिक्वेंसी अकॉर्डिंग टू चाइल्ड के अनुसार उसको फिर बढ़ाएंगे फिर क्या और बढ़ाएंगे ऐसे मतलब उसको डिवाइडेड करके हम उसको पोटेशियम फीडिंग देते हैं। कैचअप ग्रोथ, कैचअप ग्रोथ यानी जो लॉस हुआ फैट ऑफ एंड टिश्यू का उसको कैचअप ग्रोथ करेंगे। कैसे करेंगे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके उसको बोलते हैं कैचअप एंड ग्रोथ, यानी PM यानी प्रोटीन एनर्जी मॉड्यूलेशन में क्या होता है जो फैट लॉस हुई है या जो टिश्यू लॉस हुए हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके कंडीशन प्रोवाइड करके हाई ग्रेड में न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है जिसके द्वारा कैचअप ग्रोथ कंडीशन को मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट है सेंसरी स्टिमुलेशन एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, सेंसरी स्टिमुलेशन जैसे बच्चों में हाथ पैर का मूवमेंट्स है या जो मोटर साइंस वगैरह जो भी है उनको हम सेंसरी स्टिमुलेशन देखते हैं एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर बच्चे काफ़ी डिजीनेस डिटेबिलिटी एंड चिड़चिड़ी टाइप्स हो जाते हैं तो इस कंडीशन को भी हम प्रिवेंट एंड ट्रीट करते हैं।
नेक्स्ट फॉलोअप एंड रिकवरी, फॉलोअप करते हैं इस कंडीशन को, फॉलोअप कंप्लीट होने के बाद में रिकवरी, यानी हम जैसे मत मत बाद दोबारा बच्चे को बुलाया जाता है, बुलाते हैं और उसमें रिकवर देखते हैं कि कितनी ग्रोथ हुई है या डेवलपमेंट हुआ है या कोई डिक्रीज तो नहीं हुई ग्रोथ, तो उस स्टेज को हम कहते हैं फॉलोअप एंड रिकवरी। तो 10 स्टेप्स ऑफ द WHO रिकमेंडेड दिस कंडीशन। नेक्स्ट जो है इसमें, अगर कंडीशन है तो उसमें हाई प्रोटीन डाइट को उसमें दिया जाता है, हाई प्रोटीन डाइट यानी 4.5 ग्राम पर केजी के अनुसार, अगर मेरास्मस कंडीशन है तो कैलोरी हाई कैलोरी डाइट को इसमें इंक्लूड किया जाता है मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपके प्रिवेंटिव मैनेजमेंट। प्रिवेंटिव मैनेजमेंट में पहला है हेल्थ प्रमोशन, नेक्स्ट है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, थर्ड है अर्ली डायग्नोसिस, एंड ट्रीटमेंट जो कि हम तो ये फोर्थ जो है प्रिवेंटिव मैनेजमेंट के अंदर पहला है हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन के लिए हेल्थ प्रोवाइड की जाती है ब्रेस्टफीडिंग, जैसे कि है मदर्स को एजुकेट किया जाता है कि ब्रेस्टफीडिंग से कौन कौन सी न्यूट्रिशन प्रोवाइड होते हैं, और जो ब्रेस्टफीडिंग है वो बच्चे के लिए काफ़ी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट जो लैक्टेशन पीरियड है एंड एपिसोड वीनिंग, जो वीनिंग्स है वीनिंग्स प्रैक्टिसेस, नर्सरी नेचुरल सप्लीमेंट है, एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फैमिली डाइट एंड लोकली अवेलेबल न्यूट्रिशन एजुकेशन, न्यूट्रिशन काउंसलिंग एंड प्रमोट करेक्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस, इंप्रूवमेंट ऑफ द होम इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक एडिक्वेट डाइटरी, मेंटेन द हेल्थी फैमिली एंड इन्वॉल्वमेंट एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ फिजिकल सोशल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो ये जो है हेल्थ प्रमोशन के द्वारा हम मैनेज करते हैं प्रिवेंटिव मैनेजमेंट। दूसरा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या है कि जो डाइट है जैसे कि कैलोरी है और प्रोटीन्स की जो है इम्पोर्टेंस जो है हम बताएंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू एज के अनुसार हमें बच्चे को देनी है, क्योंकि हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है बच्चे के लिए। नेक्स्ट स्टेज जो इसमें इम्यूनाइजेशन जैसे है इम्यूनाइजेशन वैक्सीन, थर्ड प्रमोशन मेंटेनेंस एंड हाइजीन मेजर्स, हाइजीन मेजर जैसे कि हैंड वॉशिंग वगैरह है, कोई भी जैसे प्रोसीजर है बीजिंग जैसे कोई फॉर्मूला फीडिंग तैयार करने से पहले हमें अनहाइजीन स्टेप्स नहीं अपनाने हैं, जो है हाइजीनिक मेजर्स को पूरा अप्लाई करना है, फूड फोर्टिफिकेशन इन रिच ऑफ फूड आइटम्स, थर्ड है अर्ली डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोस्टिक यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का अर्ली डायग्नोस्टिक ग्रोथ चार्ट के द्वारा हम आसानी से कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि ये ग्रोथ कम है या डेवलपमेंट कम है, और ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो सके तो स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी प्रोटीन एलर्जी मैलन्यूट्रिशन जो ट्रीटमेंट है उसका हमेशा हम होम बेस पे भी उसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड है रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन में न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सर्विसेज से जो भी यानी आशा एंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो घर घर जाके जो गाइड करती हैं न्यूट्रिशन के बारे में, दैन हॉस्टल मैनेजमेंट एडवांस PEMKSS यानी हॉस्टल मैनेजमेंट के द्वारा जो प्रोटीन एनर्जी मॉनिटरिंग के लिए एडवांस जो भी जो ट्रीट है वो दिया जाता है एंड फॉलोअप केयर। इसके साथ ही आपके जो है प्रोटीन एनर्जी मॉनिटरिंग मैनेजमेंट कम्प्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।